हे गाइस, दिस इज मावा शेजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आज मैं बात कर रही हूँ मुश्क और प्रेम गली के बारे में। मैं दोनों टीवी शोज के बारे में इकट्ठे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इवन दो इन दोनों शोज में कोई भी ममासलत नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर इन एनी वे, उसके बावजूद भी मैं इनको जरा इकट्ठे रिव्यू करना चाह रही हूँ क्योंकि दोनों एक ही दिन एयर होते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है कि मैं ये रिव्यू इकट्ठे बना रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, हो सकता है कि आगे मैं डिफरेंट वीडियोज़ में भी बनाऊँ, लेकिन सिर्फ इस वक्त इसको इकट्ठे बनाने का सिर्फ वजह ये है कि ये इकट्ठे एयर हुए हैं, मैंने अभी दोनों देखे हैं। इसके अलावा आप कैच कर सकते हैं इन पे डिटेल डिस्कशंस द वीकली रॉन्डेवू, जो कि मैं करती हूँ एक शो सदफ हैदर के साथ, जो कि एक पाकिस्तानी ड्रामा बाफ भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। लेकिन इस वक्त इन दो टीवी शोज के बारे में मैं इकट्ठे रिव्यू बना रही हूँ, सो आई होप किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये पाकिस्तानी टीवी शोज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये एक कैरेक्टर स्टडीज होते हैं, ह्यूमन नेचर के ऊपर बनाई जाती हैं। इवन दो इनको कहा जाता है कि ये शादी ब्याह तलाक के ऊपर ही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी और बहुत सारे जो थीम्स होते हैं ह्यूमन कंडीशन के या जिंदगी के, वो इन ड्रामों में ओवरलैप करते हैं। और ये दोनों टीवी शोज जो हैं, इवन दो एसेंशियली रोमांटिक स्टोरीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों टीवी शोज में अलग अलग तरीके से जिंदगी की और बहुत सारी दूसरी पेचीदियों को भी डाला गया है। लेट्स स्टार्ट विद मुश्क। मुश्क इज रिटन बाय आवर फेवरेट एक्टर इमरान अशरफ। इट इज डायरेक्टेड बाय एसएन तालिश, जिन्होंने रिसेंटली ये दिल मेरा डायरेक्ट किया था, सुनो चंदा डायरेक्ट किया था। इमरान अशरफ ने पहले एक तहरीर की थी, एक ड्रामा तहरीर किया था जिसका नाम था ताबीर, विच स्टार्ड इकरा अजीज एज वेल एंड शहजाद शेख। इकरा की एक्टिंग उसमें बहुत अच्छी थी, इमरान की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। इमरान वैसे ही बड़े जबरदस्त एक्टर हैं और ये उनका सेकंड अटेम्प्ट है लिखने के लिए, और ये मैं पहले भी कह चुकी हूं कि एज अ सेकंड अटेम्प्ट इट्स अ वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट। डायलॉग्स थोड़े से पिथी हो जाते हैं, लेकिन ये उनका कहना है कि उन्होंने थोड़ा पीटीवी स्टाइल रखने की कोशिश की है डायलॉग्स को। वैसे तो ये मॉडर्न डे लाइफ में सेट है, यानी 2020 में सेट है, लेकिन आपको अगर उसकी फील और अगर आप उसको थोड़ा एस्थेटिकली देखेंगे तो ये आपको बड़ा एक ओल्ड वर्ल्ड फील देता है, गॉथिक रोमांस का फील देता है, जैसे आप कोई मिल जुनबून का नॉवल पढ़ रहे हो, एक पुरानी किसी किस्से में जिसमें तांगे पे जो है लड़की घर वापस आ रही है, हाथ में उसके छोटा सा बच्चा है। दैट इज काइंड ऑफ व्हाट सेट्स द प्रेमिस फॉर द टीवी शो मुश्क। महक जो है, दैट्स प्लेड बाय मोमल शेख, वो बाहर से वापस आ रही हैं, बाहर वो कुछ पढ़ने गई थी, लेकिन जब वो वापस आ रही हैं तो उनकी फैमिली को नहीं पता कि उन्होंने छुपके निकाह कर लिया है और उनके पास एक बच्चा है। उनके साथ एक लड़की गुड्डी है, विच इज प्लेड बाय उर्वा हुसैन, और ये लड़की वो ये क्लेम करती हैं कि ये उसका बच्चा है और ये बच्चे के साथ उनको ले आई हैं क्योंकि वो उसको संभाल रही हैं वगैरह वगैरह। फैमिली को कोई खास शक नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम उनके एक छोटे से घर में एक भाई टाइप होते हैं, आई थिंक भाई हैं या कजन है क्या है, बहरहाल उनको शक क्या, उनको यकीन हो जाता है क्योंकि वो ओवर हियर कर लेते हैं कि एक्चुअली ये बच्चा जो है ये महक का अपना बच्चा है। और साथ ही साथ ज़ारा तरीन का जो किरदार है, जो उनकी ताई अम्मी प्ले कर रही हैं गालिबन, वो जो है वो इस पे थोड़ा सा उनको शक भी है, वो काफ़ी खुरान टाइप की भी हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो एलिंग हैं, और जो इस पूरे घर के जो पेट्रियार्क हैं वो ऑब्वियसली महक से बहुत प्यार करते हैं। इमरान अशरफ महक का सॉर्ट ऑफ लव इंटरेस्ट प्ले कर रहे हैं, उनको मोहब्बत है महक से, लेकिन उनको रियलिटी नहीं मालूम। महक के एक्चुअल इंटरेस्ट प्ले कर रहे हैं उसामा ताहिर। उसामा ताहिर एक जेल नुमा जगह में है और वहाँ पे उनको एक साथी कैदी भी मिला हुआ है जो बड़ी बड़ी फिलोसफीज करता है। किसी तरह जब वो उस जेल से एस्केप कर जाते हैं, वो बेसिकली पता चलता है सेकंड एपिसोड में कि वो भाग रहे हैं अपने मामू से, क्योंकि उनके मामू चाहते थे कि उनकी माँ के मरने के बाद उनकी बेटे की शादी, यानी उसामा ताहिर की शादी, उनकी बहुत ही कम उम्र बेटी से हो जाए। एंड दैट इज वेयर द सेकंड एपिसोड स्टॉप्स। सो लॉट ऑफ इंट्रीग, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बहुत कुछ क्रिस क्रॉस कर रहा है, मल्टीपल स्टोरी लाइन्स हैं, लेकिन मल्टीपल स्टोरी लाइन्स को इकट्ठे बड़े अच्छे तरीके से रखा गया है, अपार्ट फ्रॉम लाइक इफ यू कंपेयर इट टू अ लॉट ऑफ अदर टीवी शोज जहां पे मल्टीपल स्टोरी लाइन्स के साथ इंसाफ नहीं किया जाता। सो इस हवाले से मुश्क जो है वो काफी अच्छा जा रहा है, इंट्रीगिंग वॉच है, जबरदस्त एक्टिंग है, गुड डायलॉग्स इन अ वे, एस्पेशली लव उसामा ताहिर एंड उर्वा हुसैन, दोनों ने कमाल की अदाकारी की है। आई थिंक दोनों वो जब स्क्रीन पे आते हैं तो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स, एस्पेशली ज़ारा तरीन एज वेल। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं और बड़ा अच्छा उनको प्ले भी किया गया है। आई डेफिनेटली वांट टू से कि उर्वा जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और इवन दो डायलॉग्स जो हैं वो काफ़ी यू नो डीप और राउंड अबाउट वेज में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं डायलॉग्स में, लेकिन फिर भी वो उसको इतना लाइट और फनी रखती हैं और इतने एक्सप्रेशन के साथ और इतने लाइवली तरीके से वो उसको डिस्प्ले करती हैं और डिलीवर करती हैं कि मजा आ जाता है। नाउ वी कम टू प्रेम गली। प्रेम गली लिखा है फायजा इफ्तिखार ने, जो कि बड़ी एक्सपर्ट हैं अंदरूनी घरेलू सियासतों के ऊपर, और इसके अलावा वो बहुत अच्छा लिखती हैं किरदारों को और वो दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक मर्द की कहानी में दर्द है, तकलीफ है, दुख
दुख है तो वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, और अगर एक औरत की कहानी में दुख है, दर्द है, तकलीफ है तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से फायजा एक्सप्लेन करती हैं। इसको डायरेक्ट किया है कासिम अली मुरीद ने, जो पहले आंगन डायरेक्ट कर चुके थे, जो कि फायजा इफ्तिखार ने ARY के लिए लिखा था। और आंगन भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की फैमिली डायनामिक्स के ऊपर एक टीवी शो था। अब दोनों ने, यानी फायजा इफ्तिखार और कासिम अली मुरीद ने, एक नॉच ऊपर ले गए हैं इस पूरे डायनामिक को, कि अब दो खानदान हैं जिनके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक ऐसा खानदान है जो कि खवातीन से भरा हुआ है, भरा हुआ क्या, 3-4 खवातीन है उसके अंदर। अम्मा है जिनके जो हस्बैंड थे वो एक नाचने वाली के साथ उनके इश्क में गिरफ्तार हो गए थे और वो अपनी दोनों बेटियों को छोड़ के चले गए थे। उनकी दो बेटियां हैं, एक की तलाक हो गई, दोनों की तलाकें हो गई हैं, एक को उन दोनों को उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया था फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। और इनकी एक नवासी है विच इज प्लेड बाय सोहाई। सोहाई की शादी का जो है वो रोना मचा हुआ होता है सेकंड एपिसोड में, जो कि ऑब्वियसली हर ड्रामे में जरूर मचता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि तलाक का जो इशू है वो कैसे डील किया जाता है जब रिश्ते आते हैं घरों पर और फिर तलाक का पता चलता है कि फैमिली में तलाकें बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो लोग समझते हैं कि जी पूरी फैमिली ऐसी है, पूरी फैमिली पागल है। देन ऑन द फ्लिप साइड आपके पास फरहान सईद का किरदार है, जिनकी फैमिली में उनके चचा, अब्बा और दादा वगैरह मौजूद हैं। अगेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हैं, और दोनों को जब मोहब्बत हो जाती है, जो कि हमें पता चल रहा है कि पिछले दो एपिसोड्स में हो रही है, आगे जाके क्या होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। आई थिंक वॉट कुड हैव बिन रियली बेटर इन प्रेम गली इज के जो उन्होंने दिखाया है कि शीरी और राहत की जो फैमिलीज हैं, आई थिंक राहत है जो उस्मा हसन का किरदार है, आई थिंक इनकी जब लाइफ थ्रो अपार्ट होती है या इनकी तलाकी होती है, इसके ऊपर थोड़ी और बैक स्टोरी वो डिजर्व करते थे। आई एम श्योर फायजा उसको बहुत अच्छा लिख भी सकती थी, तो ऑडियंस के लिए ये एक्सपोजिशन बड़ा मजे का बनता और अच्छे से अगर एक्सप्लेन किया जाता कि देखें दो डिफरेंट डिफरेंट खवातीन हैं लेकिन इनकी दो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से तलाक हो गई, एक जो थी वो हर वक्त रोती रहती थी और एक जो थी वो बिला वजह जो है वो ओवर पावर करने की कोशिश करती थी अगले बंदे को। लेकिन इट स्टिल लीव्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस थे। तो अगर इस पर थोड़ा सा टेंशन दिया जाता तो बड़ा अच्छा लगता, बड़ा मजा आता, हो सकता है आगे ही आए, आई डोंट नो। एब्सोल्युटली लव फरहान सईद इन द टीवी शो बिकॉज ही इज सो गुड, ही इज डेफिनेटली द लाइफ ऑफ द टीवी शो बिकॉज ही इज डन दैट होल देसी बॉय स्वैग सो मेनी टाइम्स, हीज गॉट अमेजिंग कॉमेडिक टाइमिंग, हिज डिलीवरी इज ऑन पॉइंट। सो रियली 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 लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रेम गली फॉर मेनी रीजंस, एंड डेफिनेटली फरहान सईद इज वन ऑफ देम। ऑल द लीड एक्ट्रेसेस इंक्लूडिंग सबा हमीद, उज्मा हसन एंड स्पेशली शमीम हिलाली, हाउ अमेजिंग आर दीज एक्ट्रेसेस। सो देव डन एन अमेजिंग job in the TV show. It's also beautifully performed, it's also so very well done, and especially I keep talking about the aesthetic, and that's why Mushk and Prem Gali are so different, because both of them are so pleasing to look at in so many different ways. For example, Mushk has that old world feel and Prem Gali is just it's just a treat for the eyes, and there's so much attention paid to detail by Kasim Ali Murid, and he paid that attention in Aangan as well, and I absolutely love a director who pays that much attention to even the wall chalkings or even the small things, or even when there is a scene going on between two people, how their clothes are color coordinated or they're not color coordinated or they're clashing. I think all of that shows the mark of a very, very good director. So thank you for watching this review. If you have watched Prem Gali or Mushk, let me know what you think. Iske alawa, aap agar mazeed reviews dekhna chahte hain, to like kijiye, comment kijiye, subscribe kijiye, aur mujhe follow kar sakte hain Twitter, Instagram, TikTok, wherever. Thank you so much for watching once again. Bye. सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।